रोहतास में अनुमंडल पदाधिकारी गौतम कुमार के नेतृत्व में ओवरलोडिंग ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बता दें कि लंबे समय से जिले में ओवरलोडिंग का काम तेजी से चल रहा है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने बालू लदे जिन ट्रकों को पकड़ा है उन ट्रकों में से पानी टपक रहा था, जिसकी वजह से आए दिन हादसे भी होते रहते हैं। ये अभियान हम लोग का लगातार चल रहा है, ये हम लोग रूटीन में कर रहे हैं। और ये जो परिवहन का परिचालन है जो अवैध तरीके से कर रहे हैं बार बार चलाने पर, उसको रेगुलेट करने के लिए किया जा रहा है। आज भी हम लोग टीम ऐसे निकली हुई है, अभी तक जो 17 गाड़ियों को पकड़ा जा चुका है। ओवरलोड और पानी से जो बार बार हिदायत देने के बाद शिकायतें मिल रही है, उसी के आलोक में किया जा रहा है ये। और ये अभियान लगातार चलता रहे, ये अभियान आप देख रहे हैं कि गाड़ियाँ पकड़ के हम लोग ऐसे भेज भी रहे हैं और ये अभी देर तक चलेगा। फिलहाल पुलिस ने ट्रकों को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि जिले में बालू खनन का भी काम तेजी से किया जाता है, लेकिन पुलिस की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रोहतास से रंजन सिंह की रिपोर्ट।